जगत रे मनुष्य होउचे एक दुर्लभ जीव जिकि तार ज्ञानकौशल माध्यम रे महाआकाश को जीवारे सक्षम होइचि। तेबे मनुष्य गढ़ला प्लास्टिकिया माछ, एही कथा सुनिबा को आश्चर्य लागुथिबो। एबे माछ खाइबो प्लास्टिक। से प्लास्टिक गुड़िक निज खाद्य रूपे ग्रहण करिबो। तेबे चीन रो दक्षिण पश्चिम रे स्थित सिचुआन विश्वविद्यालय किछि वैज्ञानिक एभली एक नियारा रोबोट तयार करिछन्ति जहाको रोबोट माछ बोली कह जाउछि। आश्चर्य कथा हेउछि अबिकल माछ बोली देखा जाउथबा एही रोबोट माछ छोट छोट प्लास्टिक गुंड को खाद्य बोली गिली देउछि। एही माछर आकार मात्र 1.3 सेंटीमीटर बा प्राय अध इंच। एही रोबोट माछ को समुद्र भितर छाड़ीबा को योजना करा जायछि जहा फलरे समुद्र रे पड़ी रहितबा छोट छोट प्लास्टिक खंड को एही रोबोट माछ खाई देबो। एहा समुद्र को परिष्कार रखिबारे सहायक हेबो बोली कहिसेंती एही नियारा रोबोट को तयार करितबा वैज्ञानिक यांग युआन। एही माछ को जैविक प्रक्रिया रे हजम करिहेबो। एही माछ को समुद्र भितरे जदि कोनोसी बड़ माछ गिले दिए तेबे बड़ माछ रे कोनोसी क्षति हेबो नाही बोली एही कृत्रिम माछ को प्रस्तुत करितबा वैज्ञानिक कहिसेंती। निज आकार तुलन रे 3 गुण अधिक बेगरे एही रोबोट माछ गति करि पारुछि। वर्तमान ए रोबोटिक माछ नियर इन्फ्रारेड लाइट दिगरे गति करुछि बोली वैज्ञानिक माने सूचना दैछन्ती। चीन रे प्रस्तुत होइतिबा एही रोबोट माछ को नै एबे सारा विश्व रे चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, समय लाइफ।